हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाज क्लासेस बाय बालाज सर। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जरा देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। क्या चीज होता है, आपने स्टेप नहीं पहचाना तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। आप स्टेप देखिए, एक एक स्टेप का आकलन करा दूंगा, चुटकियों में सीख जाएंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जहां लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स वाई टू। हमने आपको एक सिस्टम बताया था, क्या बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, कहा था इसको यू मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए। लेकिन आज ऐसा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आज मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चा देख रहा है, अगर वो सीख रहा है तो हमारे पहले वाले वीडियो को देख करके उससे सवाल लगाना सीख जाए, और अगर उससे सीख जाता है तो ये रूल अब सीख ले, तो लॉन्ग से शॉर्ट सिस्टम आपको तुरंत आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कैसे लगाते हैं। इसको यू और टी नहीं मानना है, अगर यू टी से मान के लगाना है तो आप वीडियो को देख करके खुद से लगाइए, ट्राई करिए, आंसर आएगा, आंसर भी ला लीजिएगा। चलिए हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आप ये जान जाइए, एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। माने यहाँ तीन स्टेप बन रहा है, यहाँ कितने स्टेप बन रहे हैं, हमारे पास तीन स्टेप बन रहे हैं। तीन स्टेप का मतलब सबसे पहला स्टेप मेरा लॉग है, दूसरा स्टेप टैन है, तीसरा स्टेप एक्सपाई टू है। सबसे पहले मुझे लॉग का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर टैन का, फिर एक्सपाई टू का। तो जिस जैसा जैसा दिया उसके ऊपर वन टू थ्री, मतलब पावर होता तो मैं पावर को भी मानता, क्योंकि पावर को भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर नीचे आएगा और पावर माइनस वन होगा। तो हम आपको बताएं, यहाँ पर लॉग टेन एक्स बाई टू की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टेप नंबर वन बोला हूँ, तो कोई बात नहीं है। आप क्या लिखेंगे, डीवाई डीएक्स लिखिए। आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, सपोज करिए ये चीज, इतना मैं बंद कर ले रहा हूँ दोनों तीनों स्टेप को, लॉग एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बटे एक्स होता है। लॉग एक्स का क्या होता है, एक बटे एक्स होता है। अगर नहीं होता है तो याद कर लीजिए, लॉग एक्स का एक बटे एक्स होता है, तो लॉग इतना है तो वन अपान इतना हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, ठीक है, वन अपान टेन एक्स बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सीख गए होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ब्रेकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बिना ब्रेकेट के लगा दीजिए, x by 2 लिख दीजिए। तो मुझे लगता है कि एक नंबर का अवकलन हो चुका है। अब मैं यहां लिखूंगा d dx, कौन कौन बचा है, दो और तीन, तो यहां हो गया हमारे पास tan x by 2, कोई दिक्कत नहीं है, d by dx 1 upon tan x by 2। अब आप कहेंगे सर दूसरे स्टेप, इस स्टेप का डिफरेंशिएशन करिए, तो tan x का क्या हो जाएगा, tan x का आप कहेंगे सर से स्क्वायर x by 2 होगा। अब आप कहेंगे सर डी डी एक्स एक्स बाई टू, मतलब एक प्रकार से सारे सिस्टम्स, एक भी पॉइंट का डिफरेंशिएशन छूटना नहीं चाहिए, उसी हिसाब से हम सवाल को हल करेंगे। तो क्या चीज होता है, वन अपान टेन एक्स बाई टू और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स का वन होता है वन बाई टू। यहां पर ये सवाल अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, यहां तक छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है, अगर यहां तक नहीं छोड़ते हैं तो मैं आपसे बात करता हूं। टाइम टेन एक्स बाई टू है, टाइम को लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई टू, अपान क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू, गुणे सेक स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वन अपान क्या लिख सकते हैं टू। तो इस कॉस एक्स बाई टू से ये वाला पावर कैंसिल हो गया, हमारे पास मिला क्या, वन अपान टू साइन एक्स बाई टू, और क्या मिल गया, कॉस एक्स बाई टू, तो वन अपान। इस पूरे का जो फॉर्मूला होता है वो साइन एक्स होता है, और साइन एक्स एक बटे साइन एक्स का जो होता है वो कॉसेक एक्स होता है। आप कई बार पढ़े हैं, कई बार इसको जानते हैं, आप इसको कई बार पढ़े, कई बार इसको जानते हैं, तो हम एक मिनट के लिए हट रहे हैं, आप पूरे जो है सवाल को एक बार देख सकते हैं। इसी आधार पे अगर आप दूसरा क्वेश्चन कोई लगाना चाहते हैं, इसी आधार से अगर आपके पास दूसरा कोई क्वेश्चन चल रहा हो मन में, तो उस प्रश्न का जवाब आप बहुत आराम से दे सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब क्या कर सकते हैं, आप बहुत आराम से दे सकते हैं। उस दिन मैंने क्या क्वेश्चन किया था, उस दिन हमने यही क्वेश्चन किया था, कॉस टेन एक्स स्क्वायर, कॉस टेन एक्स स्क्वायर। चलिए बताते हैं, इसको मिटाते हैं। हमने उस दिन क्वेश्चन आपसे किया था, बताया था y इज इक्वल टू कॉस टेन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लॉन्ग मेथड से बताया था, u बराबर माना था, t बराबर माना था, इसको माना था। अब मानने वाला सिस्टम खत्म, यहां से एक स्टेप, यहां से दो स्टेप, यहां से तीन स्टेप, स्टेप को पहचान गए तो आप कमाल कर दिया पूरा। आपका 44 नंबर जो है अवकलन और समाकलन, आपका 44 नंबर अवकलन और समाकलन चैलेंज है, वैसे आ जाएगा, बस अब आप लगातार लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। चलिए हम आपको बताते हैं cos tan x स्क्वायर क्या चीज है, एक स्टेप दो स्टेप। सबसे पहला स्टेप dy dx, बहुत सिंपल, वेरी इजी, सीखिए तो करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, अब उसका ब्रेकेट हम लिख देंगे tan x स्क्वायर। अब दूसरे स्टेप का अवकलन होगा tan x स्क्वायर का, पहला स्टेप, सबसे पहले मैंने cos का कर दिया, cos का माइनस साइन हो गया, ये समझ लीजिए मैंने cos x मान लिया, cos का माइनस साइन। अब d dx tan x स्क्वायर माने माइनस साइन tan x स्क्वायर, अब tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x स्क्वायर।
अब डी डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि पहले स्टेप पर यहाँ हो चुका है, दूसरे स्टेप पर यहाँ हुआ, तीसरा स्टेप यहाँ है, तो तीसरे स्टेप पर डिफरेंशिएशन यहाँ होगा माइनस साइन और टेन एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टू एक्स की पावर टू माइनस वन माने टू एक्स माइनस टू एक्स साइन ब्रेकेट में टेन एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस प्रकार हमारा सूत्र क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया। इस प्रकार आप हल करके कई प्रश्नों को लगा करके खुद ब खुद सीख सकते हैं। धन्यवाद।